कोई बात नहीं है। नहीं, हमारे खानदान में सभी ना चपरासी से रिटायर हो जाते हैं। नहीं, नहीं, उम्र में, उम्र में, उम्र में। हाँ, है ना? कौन? पिताजी, पिताजी। हाँ, आपसे मिलने के लिए कोई आया? कहिए। मैं अंदर आ सकता हूँ? आप आ सकते हैं। अच्छा अच्छा, बैठ सकता हूँ मैं? हाँ, बैठ चुके हैं। अभी मत बोलिए, क्या मैं देख सकता हूँ? मैं नहीं जानता। अरे अरे पिताजी, कितनी खूबसूरत लड़की है ना, गुम हुई। अरे दरअसल आप लोग समझे नहीं, मैं मेरे यूरोप से आया हूँ। ये करोड़पति बाप की इकलौती बेटी है, इसके लिए प्योर कवारा वर चाहिए। अरे तो मैं कैसे रहूंगा ना, फिट फाट एकदम फर्स्ट क्लास। बच्चा नहीं चाहिए, बड़ा आदमी चाहिए। हाँ, है ना, आपके सामने 100% बड़ा आदमी, कुंवारा आदमी। तो फिर ये? ये मेरा छोटा भाई है। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं? फिर वो जो मेले में जो गुम हुई थी, वो आपकी बीवी नहीं, आपकी माँ थी। हमें समझ गया, लेकिन आप बताइए, कौन से पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लगवा देंगे? मैंने कहा ना, ये मेरा छोटा भाई है। हाँ, तो ये तो पिता नहीं बोलता आपको। दरअसल मरते वक्त इसके पिता ने इसे मेरी गोद में छोड़ दिया। और इसकी माँ? वो तो इसे जन्म देते ही मर गई थी। हाँ, इसे जन्म इसके पिताजी ने दिया है। अरे नहीं, इसकी माँ ने दिया है। दरअसल मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मतलब माँ का देहांत पहले हो चुका, गोद में पिताजी ने दिया। तो फिर जन्म किसने दिया? अरे इसकी माँ ने जन्म देते ही मर गई। तो फिर थाने में किसकी रिपोर्ट लिखाई गई थी? पड़ोस की बीवी। अच्छा, ऐसा बोलने का ना, कुछ कहने का? मुझे क्या कहना, तब पैदावाज में तो पता चला कि मैं आना तू ना। कहाँ जा रहा है तू? हरिद्वार जा रहा हूँ ना, आज पता चला तो आज ही अपने बाप के नाम का पिंडदान कर देता हूँ। आपको कुछ कहना है? अरे नहीं नहीं, अब क्या कहना है, मुझे पक्का यकीन हो गया कि आप एकदम गवार हैं। बस आपसे मुलाकात करवाता हूँ और फिर उसके बाद शादी। पिताजी, टंकर 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 टंकर